पानी तो बहुत दिक्कत है, पानी का दिक्कत है बहुत दिक्कत। देखिए पानी नहीं है, बुरा आदमी हमारे पास कोई आदमी भी नहीं है, पानी नहीं चापा का है, लकड़िया है, नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा किनको पानी का किनको किनको दिक्कत है एक बार बताइए आप लोग सबको। देखिए लोग पानी से बेचैन है, दुनिया चांद पर पहुंच रहा है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का ये दूसरा तस्वीर, पानी से लोग पानी नहीं मिल रहा है, पानी की दिक्कत है, बोलिए सब चीज को। बहुत पानी का कैसा कैसा सरकार होना चाहिए, किन मुद्दों पर वोट होना चाहिए, क्या लगता है आपको? पेपर लीक के मामले में पहला प्रहार देखिए कर दिए हैं, और क्या, और किन मुद्दों पर? पानी का समस्या है, पानी का पानी से परेशान है, बिना पानी का जीवन चल रहा है, बिना पानी क्या कहिएगा? जो नेता को चुनते हैं आप लोग उनको बोलिए कुछ, आज देखिए आप बोलने का आपके पास। सहारा में जो पैसा फंसा हुआ है, हाँ। ना मोदी जी इस बार हाँ। जब कोशिश करके हाँ। सभी का पैसा बहुत लोगों का पैसा फंसा हुआ, सारा इंडिया वाला जो मामला है। नमस्कार, चतरा लोकसभा के बूथ नंबर 472 में हूँ, ये राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय है, और हमारे साथ देखिए चतरा के वोटर है, एक बार वोटर आईडी दिखाइए जी सर, क्या बात है, देखिए क्या देखिए, बिना कुछ खाए पिए एनर्जी देखिए आप, पूरा ऊर्जावान लग रहे हैं, क्या नाम हुआ? बसंत कुमार पूरा एकदम आप एकदम एनर्जी हाँ, लग रहे हैं। साथ में वोट देना चाह रहा हूँ, अपने अधिकार का इस्तेमाल आज कर रहे हैं, पूरा, पूरा 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 क्या कहिएगा, मतलब इस बार क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट मतदान होना चाहिए? मुद्दा तो बात की बात है, की बात की हम लोग को जो पहले से जो हम लोग को पहले से चल रहा है हाँ। वही चलेगा, जो चल रहा है इशारा हाँ। इशारों में समझिए, क्या नाम हुआ? पंकज जी, क्या लग रहा है इस बार वोट देने आए हैं आप? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, प्रधानमंत्री चुनने वाला वोटिंग है ये हाँ। क्या कहेंगे? पहले उनको देख लीजिए, एक बार उनको देख लीजिए, उनको वोट देने आए बिल्कुल, तो देखिए देखिए ये है लोकतंत्र की खूबसूरती, उम्र कुछ भी हो आप देखिए। दादा क्या उम्र हो गया आपका? 80 साल के हैं और वोट देने आ पाए हैं, वोटिंग के प्रति जागरूकता है, मतदान के प्रति क्या सोच के आए हैं, किसे चुनना है इस बार, क्या किन मुद्दों पर वोट देना है? मोदी सरकार। देखिए दो लोगों के सहारे जो है 80 साल के जो बुजुर्ग है वो बूथ नंबर 472 में पहुंचे हैं, इनकी स्थिति आप देखिए, लेकिन इनसे सीखने की जरूरत है, अपने मतदान का अधिकार का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो आप इन जैसे लोगों से समझ सकते हैं, बहुत ही काबिले तारीफ है, ताली बजाइए एक बार इनके लिए, ताली बजनी चाहिए जरूर। मनोज विश्वकर्मा आज अपना मत का यूज कर रहे हैं आप, क्या कहिएगा? खुश है? खुश है। चलिए महिला मतदाता भी आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी, एक मिनट रुकिए, पेट में अनाज नहीं होगा, सुबह सुबह खाली पेट आई है, पहली बार दे रही है, तो फर्स्ट टाइम वोटर हाँ। क्या महसूस हो रहा है? नर्वस है, कॉन्फिडेंट है, क्या है? कॉन्फिडेंट है, नर्वस। कैसा कैसा सरकार होना चाहिए, किन मुद्दों पर वोट होना चाहिए, क्या लगता है आपको? पेपर लीक के मामले में पहला प्रहार देखिए कर दिए हैं, और क्या, और किन मुद्दों पर? बेरोजगारी। बहुत बढ़िया, आप दिखा दीजिए एक बार आपका पहचान पत्र, ये आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप। मैं सहारा में जो पैसा फंसा हुआ है हाँ। ना मोदी जी इस बार हाँ। जब कोशिश करके हाँ। सभी का पैसा हाँ। बहुत लोगों का पैसा फंसा, सारा इंडिया वाला जो मामला है, आपका भी पैसा फंसा हुआ है, सभी का। कितना पैसा फंसा है आपका? है बहुत ही है, बहुत है, और बहुत उम्मीद से हम लोग पैसा इतना फंसा हुआ, बहुत उम्मीद से लोग अपना, बहुत लोगों को ये पैसा कौन निकालेगा, किन पर है आपको विश्वास? हम लोग को मोदी जी से उम्मीद है। चलिए देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, उम्मीद भी हम लोग खोएंगे नहीं ना। चलिए और भी दीदी लोग हैं जो ग्रामीण इलाकों में, क्या नाम हुआ? कितने देर से लाइन में खड़े हैं? एक घंटा में क्या सोच रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है आपके? वोट देना है, किन मुद्दों पर वोट देना है? नहीं मुद्दा क्या है, जैसे विकास होता है, पढ़ाई है, शिक्षा है, बेरोजगारी है। अच्छा देखिए और दीदी लोग लाइन में, क्या नाम हुआ? कहाँ रहती हैं आप? डीबा मुंडा। अच्छा डीबा की हैं। वोट क्यों देना चाहिए, किन मुद्दों पर वोट देना चाहिए? देखिए वोट देने का तो बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन पहचान पत्र देखिए हाँ,
ऊपर दिखाते रहिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। लेकिन जहाँ तक मुद्दे की बात है तो हमें ऐसा सरकार चाहिए जो हमारे हित का हो, हमारे बारे में सोचे, तो बस वही 400। चलिए, जो इनके बारे में सोचे। आपका नाम क्या हुआ? सरिता। क्या? सरिता। सरिता, सरिता जी दिखाइए, आप भी वोट देने के लिए आई हैं। क्यों वोट देना है? सरकार आगे बढ़ाते हैं। सरकार आगे बढ़ाते हैं। चलिए, देखिए बुजुर्ग दादी भी है। क्या नाम हुआ? वोट देवे लाइथुल। हाँ। ये सही बात बोले हैं, बताना नहीं है किसी को। हाँ। मतदान है, गुप्त रखना है। तो कैसे सरकार चाहती हैं आप? बढ़िया सरकार चाहते हैं कि सब चीज पूर्ति करे। हाँ, गरीब लोग का ध्यान रखे। हाँ, है शिक्षा दे, रोजगार दे, है ना। हाँ। पानी दे, बिजली दे, यही ना जी। पानी तो बहुत दिक्कत है। पानी का दिक्कत है, बहुत दिक्कत। देखिए पानी नहीं है, बुरा आदमी हमारे पास कोई आदमी भी नहीं है। बताइए तरफ पानी नहीं, चापाकल है, नदियां है, नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा, किनको पानी का किनको किनको दिक्कत है, एक बार बताइए आप लोग सबको। देखिए लोग पानी से बेचैन है, दुनिया चांद पर पहुंच रहा है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का ये दूसरा तस्वीर, पानी से लोग पानी नहीं मिल रहा है। पानी की दिक्कत है, बोलिए सब चीज को। बहुत पानी का पानी बहुत होता है, पानी देख सकते हैं। तो ये जो है, ये स्थिति है हमारे देश की भाई, कि लोग जो करोड़ों में बात कर रहे हैं और कुछ जो ऐसे हैं जो पानी पानी के लिए तरस रहे हैं। ये है, शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो धर्म के नाम पर या फिर कहे जात पात के नाम पर जो है बयानबाजी करते हैं। ये है असली समस्या, ये है आप जिस चीज से जिंदा रहते हैं, पानी, हवा, बिजली, पानी, ये सब जो है इनको नहीं मिल रहा है। पानी है दिक्कत, मेरा घर में तो पानी है, अपना घर दूसरा मोहल्ला में है। हाँ। मिलों का ज्यादा डिब्बे मोहल्ला में ज्यादा पानी। हाँ। है सब चीज के हमको आप नहीं है ना, बाकी जो बोल लोग बोल रहा है पानी का दिक्कत, जिनका हैसियत नहीं है बोरिंग का, वो लोग क्या करेगा? क्या बोरिंग कराने के बाद भी पानी नहीं, बोरिंग के बाद भी पानी नहीं है, सप्लाई वाला पानी भी नहीं आता है। पानी नहीं है तो क्या करें? नीचे जमीन में पानी है ये नहीं है, लेयर है ये नहीं है, तो पानी आएगा? सप्लाई नल लिए उसमें भी पानी नहीं आ रहा है, बोरिंग करवाए उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। ये समस्या चतरा में ज्यादातर जो समस्या है वो पानी की, जो महिलाएं बता रही है। क्या नाम बोल रही, बड़ा मुस्कुरा रही है आप, कहिए। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? आपके जा रहती है उधर, क्या आप समस्या है? समस्या है कि पानी का समस्या है। पानी का बिना पानी का जीवन चल रहा है, बिना पानी। क्या कहिएगा जो नेता को चुनते हैं आप लोग, उनको बोलिए कुछ। आज देखिए आप बोलने का, आपके पास जो है आज मोमेंट है, आज टाइम है बोलने का आपके पास। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारी सरकार वैसी हो जो कि हमारे लिए मतलब कि पानी की व्यवस्था तो मतलब कराई दे, है ना। कम से कम पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, रहने की व्यवस्था तो है ही अपने। हाँ। लेकिन पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग महल में पानी ही नहीं। पानी की बहुत दिक्कत है, आप देख सकते हैं सुबह शाम मतलब की साइकिल से ये सब मतलब पानी दिन रात हुआ था, पीछे से नदियाँ 2 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है, जबकि हम सोचे की नगर पालिका में हम लोग आते, नगर में आते हैं। लेकिन पानी के लिए बोलेंगे नेताओं को नहीं? मैं नेताओं को क्या बोलूंगी, मतलब मैं तो आपको पूछ रहा था, आपको बता रही हूं, वो सुनेंगे आपकी बात। अगर सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सुनना ही पड़ेगा, तो सुनना ही पड़ेगा। किन के लिए नेता रहते हैं? आप ही के लिए ना, आपके टैक्स के पैसे से वोट करते हैं। मतलब भी वोट देने के लिए आया है। देखिए इतना छोटा वोटर है, कितना प्यारा वोटर है, देखिए लाइन में लगा है बेचारा, कितने देर से लाइन में हो। चलिए बहुत प्यारा है, कौन है? पोती है आपकी। अच्छा, आपका आपकी तरफ भी पानी की समस्या है? अच्छा, देखिए पानी की समस्या है। क्या नाम हुआ आपका? आगे आ जाइए। पहली बार वोट दे रही हैं कि इससे पहले भी दे चुकी हैं? पहली बार वोट दे रही हैं। तो क्या लगता है जब वोट देने से पहले क्या सोचती हैं और अब क्या चल रहा है दिमाग में, लाइन में खड़ी हैं आप वोट देने के लिए? क्यों वोट देना चाहिए लोगों को? आप जागरूक है, पढ़ी लिखी है, बताइए। वोट देना चाहिए ताकि हमारे जो भी सरकार आए हमारे हित में काम करे। बिल्कुल, एक ऐसा सरकार होना चाहिए तो सारे पब्लिक का सुन सके, उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर सके। तो जब तक हम लोग वोट नहीं देंगे तब तक अच्छे नहीं। आपको लगता है वोटिंग तो बहुत जमाने से होते आ रहा है, लेकिन नेता लोग वोट देने के बाद काम करते हैं, आपको क्या लगता है? तो देखने तक नहीं जाते हैं, क्या मतलब? बताइए आप बोलिए।
जैसे कि वोट तो आदमी अपने हिसाब से देता है जो अच्छी सरकार को देते हैं, लेकिन आज कल वोटिंग में भी तो प्रॉब्लम है ना, सब लोग अपने अपने हिसाब से वोट देता है। अब सब अगर सारे पब्लिक अगर ये समझ जाए कि हाँ हमें अच्छी सरकार चुननी चाहिए, कि हाँ जो हमारे हित के लिए काम करे, तब तो बेटर होगा ना। लेकिन सब लोग अपने अपने मुताबिक काम करें कि जो पैसा दे रहा है उसको वोट दे रहे हैं, वो भी तो गलत है ना। आप पैसा उसने ना लिए किसी से? हम लोग ऐसा काम नहीं करते, हम लोग वही करते हैं जो सरकार अच्छी है। चलिए, आपका नाम क्या हो, पहली बार बोलेंगे आप? हाँ, चलिए। मेरा नाम ज्योति है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रही हूँ। ठीक है, आधार कार्ड दिखाइए, पहचान पत्र दिखाइए। 18 हो गया आपका, वाह क्या बात है। मैं ये बोलना चाहती हूँ वोट चेंज के लिए बहुत जरूरी है। अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, और हम लोग युवा लोग हैं, इतने पढ़ लिख लिए हैं और वैकेंसी नहीं आती है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। इसी के लिए पहली बार तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मुझे चांस मिला है पहली बार वोट करने का, और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ सरकार से कि थोड़ा चेंज हो, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, हम लोग इतना पढ़ लिए हैं, अब बेरोजगारी रहेगा तो फिर क्या फायदा, इस देश का भविष्य क्या होगा। तो सबसे पहला मुद्दा तो बेरोजगारी है, फिर उसके बाद हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड गंदगी, ये सब बहुत मैं फेस करती हूँ। मैं थोड़ा बाहर में पढ़ती हूँ, तो मैं जब भी आती हूँ तो यहाँ देखती हूँ तो अच्छा नहीं लगता झारखंड में। हाँ, तो मैं अच्छा नहीं लगता, गंदगी आसपास भी रहती है, उससे भी रिलेटेड बहुत अजीब लगता है देखने में, तो उसके लिए मैं भी वोट करना चाहती हूँ। और भी बहुत सारे हैं, मैं पहले वोट से तो मैं पहले सरकार से मैं तो खुश नहीं हूँ, इस बार देखना चाहती हूँ कि क्या होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है हमारे देश में, हमारे राज्य में जो भी हम नेता चुनते हैं, चाहे वो केंद्र के नेता हो चाहे वो राज्य के नेता हो, वो कैसा काम करते हैं, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य में, वो कितना ईमानदारी से काम करते हैं, क्या लगता है आपको? करते तो हैं, बट लेकिन पिछले बार मैंने देखा कि बीजेपी का कुछ मतलब अगर करप्शन के मामले में देखें तो करप्शन में बहुत ज़्यादा धांधली हुआ, करप्शन बहुत हुआ, और प्लस ऐसे एजुकेशन के मामले में कुछ भी नहीं हुआ, शिक्षा भी बहुत पीछे हो गया। हमारा बिहार में भी देख लीजिए, झारखंड में भी देख लीजिए, पेपर लीक का बहुत बड़ा मामला है। अगर ये पेपर लीक हुआ तो भविष्य क्या होगा हम लोगों का, ये सबसे बड़ा मामला है। तो इसलिए एजुकेशन तो इस फर्स्ट में एजुकेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। और क्या लगता है इसके अलावा? और मैं बोलना चाहती हूँ कि इसके अलावा मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बट इस बार मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि शायद पहले से और बढ़िया काम हो। चलिए देखिए, ये बूथ नंबर 472 है, जहाँ पर महिला मतदाता जो है वो लाइन में लगी हुई है और अपनी समस्या रख रही थी और बता रही है कि वोट क्यों देनी चाहिए। बने रहिएगा, और भी तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे सहयोगी उत्तम के साथ। फॉलो अप झारखंड। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.